morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. So today we will learn standard third subject English unit 2, part 2. So last time humne part 1 padha tha yellow butterfly ka. So this time jo hai hum wohi chapter ko continue karenge. Okay? So butterfly ki story ke bare mein bataya tha maine. आपके जैसा एक बॉय था सोनू नाम का लड़का, राइट? तो उसको बटरफ्लाई को कैच करने के लिए कहाँ कहाँ गया था, लेकिन वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया था. और लास्ट में उसको बटरफ्लाई कहाँ पे मिला था? स्पाइडर के वेब के अंदर फंसा हुआ मिला था, राइट? तो वो स्टोरी हमने पूरी पढ़ ली थी. आज जो है हम उनकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वहां से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट टू ओपन अ पेज नंबर 12. सो पेज नंबर 12 पे एक्टिविटी 4 से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्टिविटी 4 में फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर है. तो जो हमने सोनू और बटरफ्लाई के बारे में स्टोरी पढ़ी है आगे के पेज पे, उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है. तो उसे हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो आंसर, वेयर डी सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई. तो आंसर दीजिए, सोनू ने पहले कहाँ देखा था बटरफ्लाई को? सो सोनू सो अ बटरफ्लाई इन हर हिज गार्डन. ओके, तो सोनू ने पहले कहाँ देखा था? सोनू के गार्डन में बटरफ्लाई को देखा था. और किस पे ऊपर बैठा था वो? रेड रोज के ऊपर बैठा था, राइट? सो नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. तो बटरफ्लाई कौन कौन सी जगह पे जाके बैठा, वो प्लेसेस के नाम हमें बताने हैं. तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री. मिला आपको आंसर, फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप अ चंपक ट्री. तो बटरफ्लाई तीन प्लेस पे जाके बैठा. ओके, देन व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई. सोनू बटरफ्लाई को क्यों चेज कर रहा था? बिकॉज सोनू लाइक्स इट्स कलरफुल विंग्स. सोनू लाइक द बटरफ्लाई, सो दैट्स व्हाई ही चेज टू कैच इट. ओके, तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था. ओके, देन फोर्थ वन, फ्रॉम वेयर डिड द सोनू कैच बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई कहाँ से कैच किया? सोनू कैच द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब. स्पाइडर की जो वेब था मकड़ी का जाला, वहां से सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा. ओके, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा था तब वो बटरफ्लाई कैसा दिख रहा था उसके हाथों में? सैड दिख रहा था ना, तो उसको फ्रीली जो है स्काई में घूमना था और सोनू ने उसको पकड़ लिया था, तो इसलिए वो सैड हो गया था. तो सोनू को ये देख के क्या हुआ? वो भी सैड फील करने लगा, इसलिए उसने बटरफ्लाई को छोड़ दिया. ओके, तो सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज बटरफ्लाई लुक सैड इन सोनूज हैंड एंड सोनू वांट्स टू मेक इट हैप्पी. सोनू को उसको हैप्पी करना था, इसलिए सोनू ने बटरफ्लाई को छोड़ दिया. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये फाइव क्वेश्चन के आंसर बताया, समझ आया ना आपको? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे जो है, हियर आर सम एक्सप्रेशन मैच द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसके करेक्ट ऑप्शन को आपको मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट वन क्या है? इट सेल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक जाता है, तो वो कौन है? बटरफ्लाई. तो आपको यहाँ से फर्स्ट से बटरफ्लाई तक क्या करना है? मैचिंग करना है. ओके, देन सेकंड, देयर वाज अ व्हाइट लोटस इन इट. व्हाइट लोटस कहाँ पे था? पॉन्ड में, तालाब में. तो आपको यहाँ पे पॉन्ड में सेकंड का मैचिंग करना है. ओके, थर्ड, ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. तो ये कौन कर रहा था? धीरे से एकदम चुपके से जा रहा था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए सोनू, राइट? तो सोनू के साथ थर्ड वाले को मैच करेंगे. ओके, फोर्थ वन, इट वॉज हंग्री. कौन भूखा था? स्पाइडर. वो तो सबको पता है ना, स्पाइडर भूखा था. ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी 4 कंप्लीट होती है. अब एक्टिविटी 5, स्टडी दिस सेंटेंस. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, उसको स्टडी करना है. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, क्या लिखा है? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वही सेंटेंस को
he climbed up. समझ आया आपको कैसे लिखना है? Up he climbed का क्या लिखा है सेंटेंस? Climb, he climbed up. Okay? तो अब दो एग्जांपल हम लिखेंगे. यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं थ्री एग्जांपल्स की, तो वहां पे आपको मैं लिख रही हूँ वो लिखना है सेंटेंसेस. ओके, एक्टिविटी फाइव. फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर बैकी फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. डाउन फ्रॉम द ट्री, इसका रिस्ट्रक्चर क्या बनेगा सेंटेंस? इसका रिस्ट्रक्चर बनेगा It flew back. It flew back down from the tree. Understand? समझ आया कैसे लिखना है आपको? Second, near the wall. Near the wall. Was a champak tree. Was a champak tree. So, इसका क्या आएगा? The wall was near the champak tree. Near a champak. The black spider. तो उसका आंसर क्या लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर? The black spider. Crawl closer and closer. Understand? यहाँ पे मैंने तीन sentences बनाए हैं और उसको restructure किया है as given example. तो आपको समझ आया? ये आपको आपकी textbook में copy करना है, okay? Now next page. So next page पे जो है आपको एक activity दी गई है, activity 6. With the help of the picture given, tell your friend about the life cycle of a butterfly. तो ये butterfly की life cycle के बारे में बताया है. तो first stage जो है butterfly का, वो first stage पे क्या रहता है? छोटा सा egg रहता है butterfly का. क्या रहता है? छोटा सा egg रहता है. आपको picture में दिखाया गया होगा. अब वो egg में से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है. क्या निकलता है? कैटरपिलर. कैटरपिलर सबने देखा है, कैटरपिलर के साथ खेलते हो ना सभी? हाँ, ओके. तो सेकंड स्टेज कौन सा है? कैटरपिलर का है. फिर वो कैटरपिलर जो है वो थर्ड स्टेज पुपा में क्राइसिस में जाता है. तो इसमें वो अपने आप को जो है एक ऐसे जाली आकार में ये कैटरपिलर अपने आप को बंद कर देता है. और फिर फोर्थ स्टेज में वो क्या बन जाता है? एक सुंदर सा बटरफ्लाई बन जाता है. क्या बन जाता है वो? एक सुंदर सा जो है वो बटरफ्लाई बन जाता है. समझ आया बटरफ्लाई के स्टेजेस के बारे में आपको? समझ आया? ओके, तो पहला स्टेज कौन सा है उसका? पहले स्टेज पे उसके छोटे एग रहते हैं. वो एग से कैटरपिलर बनता है. कैटरपिलर से वो पुपा स्टेज में चला जाता है और लास्ट में एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है. ओके, सो एक्टिविटी 7 में एक पोएम दी गई है. सिंग अ पोएम विद योर टीचर. ओके, सो लेट्स सिंग. Hatch, hatch, little egg, I am so very small. Teeny, tiny caterpillar, you can see me
and beetle A. I am so very small, teeny tiny caterpillar. You can't see me at all. Crawl, caterpillar, crawl, munching on a leaf. Crawling, munching, crawling, munching. Eat and eat and eat. Frog, from chrysalis. I am a different shape, hanging by a silken thread until I get ascend. Race, race, chrysalis, dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. Stretch, stretch, pretty wings. It's a special day. Soon they will be strong enough for me to fly away. Fly, fly, butterfly, from flower to tree. Find a place to lay my eggs so they can grow like me. Okay. So yes, poem jo hai, wo Suzy Gaisley ne likhi hui hai. To aapko bhi ye poem sing karni hai. Okay. Ab activity 8. So activity 8 mein aapko jo hai butterfly dikh rahe hai. Dekho. Do butterfly hai. Ek bada sa hai, ek chota sa hai. So look at the picture. Talk to your friend using the words given in the bracket to describe the butterfly ko describe karne wale jo hai kuch words yahan pe diye gaye hai. Big, small, colorful, pretty, delicate, spot, wings, flying and sailing. To uske base se aapko kya karna hai ye activity mein butterfly ke bare mein kuch sentences likhne hai. Jaise maine likha hai, dekho, two sentences likhne hai. To maine pehla kaun sa sentence likha hua hai? The butterfly is big and colorful. Ye wala butterfly kaisa hai? Big and colorful hai. Its wings are so delicate. Uske pankh ekdam se hi delicate hai, right? Ab ye butterfly, this butterfly has a white spot on his wings. To ye butterfly ke wings ke upar white color ke spots hai. So it is flying in the sky like a sailing in the sea. तो ये जो है वो कैसे कर रहा है? Fly ऐसे कर रहा है जैसे वो दरिया में जो है वो sail कर रहा हो, तैर रहा हो. Okay? तो समझ आया आपको क्या करना है? दो दो sentences ये दोनों butterfly के बारे में लिखने हैं. अब next, तो यहाँ पे activity 9 का B part देखेंगे. तो B part में आपको एक story दी गई है, देखो. तो story में क्या है? Why are there ants everyone? एक lion दिख रहा है पिक्चर में, एक rabbit दिख रहा है और यहाँ पे एक छोटी सी चींटी दिख रही है आपको, right? So when a king lion held a party, he dashed everyone to the party. So जब जो है lion ने एक party organize की, तो party में उसने किसको बुलाया? तो यहाँ से हम कौन सा word लिखेंगे पहले? Invited. कौन सा word आएगा पहले blank में? Invited आएगा, right? So उसने सभी को party में बुलाया. बुलाया मतलब आमंत्रित किया. तो आमंत्रित का क्या आएगा? Invited आएगा. तो आपके bracket में यहाँ पे invited third number पे है, वो आपको first blank में लिखना है. Okay? अब second, but when the little ant arrived, the another animal made dash of her. तो जब छोटी सी चींटी आई वहाँ पे, तो दूसरे लोग ने क्या किया? उसका मजा उड़ाया दूसरे एनिमल ने. तो सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? फन आएगा. ओके. सो शी लेफ्ट, वो वहां से चली गई. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन अवोक विद अ पेन इन हिज ईयर. लेकिन दूसरी सुबह जब लायन उठा तो उसके कान में तेज दर्द हो रहा था. ऑल अदर एनिमल ट्राई टू रीच वॉट एवर इट वॉज इन लायन ईयर, बट द लायन डैश देयर एंड वाज ऑन बैड. सो सब एनिमल जो है वहां पे पहुंच गए कि लायन की आंख में, सॉरी कान में क्या हुआ है. लेकिन लायन ने क्या किया? लायन ने सोचा कि वहां पे एंट नहीं है. तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? नोटिस. लायन ने नोटिस किया कि वहां पे एंट नहीं है. सो लायन डैश टू द रैबिट, आज द एंट टू कम एंड हेल्प ही. तो लायन ने किसने किसको भेजा? रैबिट को भेजा. तो यहाँ पे फोर्थ में सेंट आएगा. ओके. तो एंट द एंट एग्रीड एंड क्लाइम इनटू अ रायन ईयर टू रिमूव अ वॉर्म दैट बाइटिंग हिज ईयर ड्रम. तो यहाँ पे क्या है कि लायन ने रैबिट को बुलाने के
The lion asked for the ant. Whatever she wanted, an ant said. She wanted to her children to death, able to live anywhere, and that is how things are today. So यहाँ पे lion से जो है ant को क्या कहा? Whatever, तुम जो चाहे वो मांगो. तो next blank में क्या आएगा? Whatever आएगा. और last blank में क्या आएगा? Be. तो last ant ने क्या मांगा? कि हाँ मैं और मेरे बच्चे जहाँ पे भी जाएंगे हमें सब जगह जाने की अनुमति होगी. तो आज भी आप देख सकते हो कि आपके घर के आसपास बिल्डिंग में कहीं पे भी चीटियां हमें देखने मिल जाती है, राइट? तो ये आपको समझ में आ रही है एक्टिविटी? ये जो ब्लैंक्स के आंसर मैंने लिखे हैं उसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है, ओके? समझ आया ये बटरफ्लाई का चैप्टर? यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है? तो आप सबको समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो या फिर मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ओके, थैंक यू.